देखिए जी, देश का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर एक और बार नए अवतार में आने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं TV9 नेटवर्क और बात कर रहे हैं हम होंडा एक्टिवा 125 सीसी की। अब देखो क्या आएगी जी, 1 अप्रैल 2023 से BS6 फेज 2 के कंप्लायंस लागू हो जाएंगे। उसके अंदर गाड़ियों को RDE कंप्लायंस फॉलो करने हैं तो टू व्हीलर्स को OBD2 कंप्लायंस फॉलो करने, यानी कि ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक। जिस तरह से गाड़ियों के अंदर ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम होता है, उसी तरह से अब स्कूटर्स के अंदर भी इस तरह का सिस्टम लगाना होगा। तो मोटी मोटी बात ये हुई। अब इसकी वजह से जो टू व्हीलर मेकर्स हैं वो अपने व्हीकल्स को अपग्रेड कर रहे हैं और होंडा ने एक्टिवा 125 को अपग्रेड कर दिया है। जो नया एक्टिवा 125 है, ये टोटल 4 वेरिएंट्स में आपको मिलने वाला है। इसके अंदर पहला होगा ड्रम, दूसरा है ड्रम अलॉय, तीसरा है डिस्क ब्रेक और चौथा है एच स्मार्ट। ये नया टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होंडा ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। कीमतों की बात की जाए तो 78,920 से शुरू होकर 88,093 रुपये तक कीमत जाएगी। ये एक शोरूम प्राइजेज हैं इसके। जो स्कूटर का लुक है ओवरऑल वो पहले जैसा ही है, उसमें कुछ बदला नहीं गया है। इनफैक्ट स्कूटर का जो इंजन है वो भी पहले जैसा ही है, बस उसको ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट बनाने की कोशिश की गई है। जैसे कि उसके अंदर आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप दे दिया है, जिसकी वजह से स्कूटर ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट मिल जाएगा। अगर आपने कभी गाड़ी में देखा हो, आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन आता है, उसको ऑन करते हैं तो गाड़ी जब खड़ी होती है तो अपने आप बंद हो जाती है, फिर उसके बाद अपने आप स्टार्ट हो जाती है जब आप ट्रैफिक में खड़े होते हैं। तो कुछ इस तरह से अब होंडा का एक्टिवा भी काम करेगा। इसके अलावा स्टैंड अगर आप लगाएंगे तो इंजन कट ऑफ हो जाएगा, वो सारी चीज़ें ऐड करी गई हैं। और जो नए टायर्स लगाए गए हैं उससे भी फ्यूल इकोनॉमी जो है वो बेहतर होती है। तो कुछ इस तरह के छोटे मोटे चेंजेस, लेकिन फ्यूल इकोनॉमी बेहतर करने वाले चेंजेस लगाए गए हैं, क्योंकि सरकार ने कहा कि भैया देखो BS6 फेज 2 नॉर्म है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ऑटो कंपनीज अब वो सब कुछ फॉलो कर रही हैं। और जो टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है उसके साथ आपको एक स्मार्ट की मिलती है, जिसके अंदर आपको कुछ स्मार्ट फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि स्मार्ट स्टार्ट, स्मार्ट अनलॉक, स्मार्ट फाइंड, या फिर अगर आपका स्कूटर पार्किंग लॉट में खड़ा है तो वहाँ पर भी आप स्कूटर को उस चाबी की मदद से ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह से एक्टिवा को और स्मार्ट बना दिया गया है। तो कुल मिला के बात यह है कि बात यही है कि नया एक्टिवा 125 लॉन्च हो गया है। और आपको कैसा लगने वाला है, और एक्टिवा के दीवाने आज भी मौजूद हैं या फिर एंटॉक जैसे पावरफुल दमदार स्कूटर्स ने एक्टिवा की मार्केट को हैम्पर किया है, आपकी राय जानना हम ज़रूर चाहेंगे। इसलिए कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय रखिएगा। बाकी नए एक्टिवा से आपको क्या उम्मीदें हैं और नए BS6 फेज 2 कंप्लायंसेस के साथ आपका क्या, आपकी क्या विचारधारा है, वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम मानव है। जब भी कोई भी वाहन चलाएं, टू व्हीलर चलाएं, तो हेलमेट ज़रूर पहनें और अगर कार चलाएं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। एक अच्छे मानव बने। जय हिंद कहेंगे।